मुश्किल होती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, टफ है। फिटनेस बहुत ज़रूरी है, फिटनेस के लिए जिम ज़रूरी है, उसके बाद आपको रनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, स्प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। नहीं, हॉकी पकड़ना कब सीखी थी? 2005 में सीखी और 2006 में करियर का आगाज कर। ये हमारे स्कूल लेवल पे इस टाइम हॉकी बिल्कुल खत्म है। किसी मर्जी बच्चे से पूछ लें आप, किसी को नहीं पता कि हमारा कौमी खेल कौन सा है। पाकिस्तान ने 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 3 ओलंपिक जीते हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, पीएनवाई ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम हम और आप विद पीएनवाई में, मैं हूं आपकी होस्ट सानिया इसहाक। नाज़रीन, आज के हमारे गेस्ट हैं इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर अलीम बिलाल, जो कि कोचिंग भी करते हैं और प्लेयर भी हैं। उन्होंने करियर का आगाज़ कहाँ से किया और आने वाले जितने भी लोग हैं, यंग टैलेंट हैं, उसको किस तरह आगे आना चाहिए, किस तरह मैदान में अपने झंडे गाड़ने चाहिए, ये सब उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सर, चूँकि आप इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं तो आपने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया, ग्रेजुअली बताते चाहिए। जी, मैंने अपना करियर का आगाज़ अपने गांव यहाँ पीर महल से 87/24 एंड पहला मेरा जो ट्रेनिंग सेशन था वो पीर महल स्कूल नंबर 1 से मैंने स्टार्ट किया 2006 में। स्कूल में ही से खेलना शुरू कर दिया था? जी, स्कूल से ही। तो इंस्पायर किससे हुए थे? सुहेल अब्बास एंड वसीम अहमद। ओके, ज़बरदस्त। आगे जी, उसके बाद मैंने स्कूल नंबर 1 से स्टार्ट किया, फिर मैं लाहौर आया 2008 में, वहाँ तनवीडा हॉकी अकेडमी ज्वाइन की। उसके बाद 6 मंथ के बाद मैं पाकिस्तान जूनियर कलर खेला, वो एशिया कप खेलने गया हम 2009 में म्यांमार, वहाँ हमने विन किया। उसके बाद 2030 तक हमने जूनियर खेली, उसके बाद हम सीनियर टीम में आ गए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये गेम मुश्किल होती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, टफ है, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिटनेस बहुत, क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं? फिटनेस के लिए जिम ज़रूरी है, उसके बाद आपको रनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, स्प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसमें टेस्ट वगैरह होते हैं हमारे, वो हमें अचीव करने पड़ते हैं। और कोविड में किस तरह अपने आप को आपने ग्रूम किया था? कोविड में हमने ग्राउंड में जाके खेले, हमने ट्रेनिंग की है ग्रुप में। कोविड में तो आप आई थिंक सिडनी में थे, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में थे? जी बिल्कुल, मैं सिडनी में था, वहाँ रोड रनिंग करता रहा था, पार्क तो बंद थे और रोड रनिंग में जरूर करता था। ज़बरदस्त, वहाँ पे खेलते भी थे कोविड में? मैं अपनी प्लेंटी कॉर्नर, ये जो ट्रेनिंग है वो तो मैं अपने ग्राउंड में जाके करता था, ग्रास लेवल ग्राउंड था वहाँ मैं करता था, क्योंकि ट्रफ में अलाउ नहीं था ग्राउंड, सब लोग थे। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में आप, हमने दोनों में कंपैरिजन करना है, फैसिलिटीज़ क्या दी जाती हैं प्लेयर्स को वहाँ? तो पाकिस्तान की नस्बत अगर पाकिस्तान स्किलफुल ऑल प्लेयर पाकिस्तान में है सबसे ज़्यादा, अगर देखा जाए तो वहाँ उनकी इसलिए वो सबसे ज़्यादा आगे हैं कि उनके प्लेयर्स को विटामिन, प्रोटीन्स, डाइट्स, हर प्लान एक हिसाब से दिया जाता है। हमारा ये प्लान पाकिस्तान में अभी नहीं है, उम्मीद करते हैं कि हो सकता है पाकिस्तान की हुकूमत से यही है कि ओके। अच्छा, इंस्पायर चूँकि आप हुए, और उसके बाद आपने ये बताना है कि आपकी लाइफ जर्नी क्या है। एक तो आपने करियर का आगाज़ बता दिया, लाइफ जर्नी क्या है, माँ बाप की सपोर्ट थी नहीं थी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर वाले अक्सर कहते हैं पता नहीं है की करता है। नहीं नहीं, पहले तो ये ऐसे ही है जैसे आप कह रही हैं कि कुछ नहीं मिलना यहाँ से, ना मेरी दादू थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, वो मुझे सब ये लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, मेरी दादू कहती थी एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखोगे कि मेरा लीम कहाँ तक पहुँचता है और आप इसके लगेज उठाओगे। ओके, ये वो अल्हम्दुलिल्लाह में शुक्र है। एजुकेशन का क्या सीन था, कि ब्राइट स्टूडेंट थे या सिर्फ नॉर्मल थे? नॉर्मल था, मैं हॉकी में ज़्यादातर जैसे या एक चीज़ कर सकता था, स्टडी कर या स्टडी कर सकता था या हॉकी कर सकते हैं। अच्छा, लाइफ का कोई खूबसूरत सा एक्सपीरियंस बताइए। मेरा ये था कि मैं जिस प्लेस को देखता था उससे मैंने मिलना था, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं उस प्लेस को देखूँ, उनसे जाके मिलूँ। वो सुहेल अब्बास एंड वसीम थे, जब मैं टीवी में उनको देखता था, तो आज वो मेरी टीम में लेस्को में है जहाँ मैं खेलता हूँ, वो दोनों उसी टीम में है। 2009 से हम एक साथ प्ले कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सुहेल भाई से मैं सब कुछ सीखा हूँ, वसीम भाई मुझे एक बड़े भाई कह लें, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। एक कज़न है इरफान भाई और मेरे जो भाई हैं बड़े नईम, उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इरफान भाई मुझे हेल्प करते थे, नईम भाई मुझे हौसला देते थे कि खेलो कुछ नहीं है। बहन भाई कितने हैं? हम 4 भाई हैं। 4 भाई, और भाई भाई क्या करते हैं बाकी भाई? एक भाई आर्मी में, वो भी हॉकी प्लेयर है, और एक भाई जो मुझसे बड़े हैं वो जिमीदार अगर पहले उधर थे, अब केनिया में, अब हमारी जमीन है फैसलाबाद में, वहाँ पे छोटा है वो भी साथ हॉकी खेलता है। ज़बरदस्त, पूरी टीम ही हॉकी की तैयार की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कज़न भी खेलते थे और मेरे अब्बू जी भी हॉकी खेलते थे पहले गांव में। ओके, तो इंस्पायरिंग जो है वो स्टार्ट से शुरू हो गई थी आपकी? मैं ज़्यादातर क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलने के बाद मेरे भाई ने मुझे उस टाइम 2006 में
तकरीबन 250 की स्टिक आती थी। अब तो स्टिक बहुत ज़्यादा प्राइस में मिलती है, आपको मिलेगी 20,000 में मिल जाएगी, 15 में मिल जाएगी। कोई गरीब बच्चा वो कर नहीं सकता जिस तरह मेरे भाइयों ने मुझे हेल्प की है। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही प्लेयर आगे आएंगे जब तक उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करेगी। मोटिवेशन किससे मिली थी? मुझे मिली थी मेरे बड़े भाई से। बड़े भाई ने उन्हें जिन्होंने स्टिक लेके दी थी आपको। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड पहले कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पहले भी ठीक, पहले भी थे, अब भी ठीक है। आप आने वाले वक्तों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? आने वाले वक्तों में जब जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में अब गया हूँ, वहाँ कोचिंग मैंने स्टार्ट की है अंडर 17 अंडर 21 की, वोमेंस एंड बॉयज़ की, वहाँ पर मैंने कोचिंग स्टार्ट की। आने वाले वक्तों में आप कोचिंग कर सकते हो, जैसे कि मेरा डिपार्टमेंट वापडा है, 2010 में वापडा ज्वाइन किया था अल्हम्दुलिल्लाह, परमानेंट मेरी जॉब है, 18 में लग रही है। ओके, ज़बरदस्त। मतलब लाइफ जो है हमेशा से आपकी ज़बरदस्त रही। अच्छा, एक बहुत ही पर्सनल सवाल है, वो ये है कि मोहब्बत हुई है कभी? मोहब्बत तो मुझे सिर्फ हॉकी से ही हुई है, अगर मोहब्बत के चक्कर में पड़ता यहाँ तक ना हो, यहाँ ना होता। इंसानों से मोहब्बत अभी तक नहीं हुई? वो तो साथ साथ चलता ही है, साथ साथ चलता ही है। वो काफ़ी ज़्यादा होगी? ज़्यादा नहीं, ठीक है। इतनी भी ज़्यादा नहीं, लेकिन है। नहीं। अच्छा जी, हमारा अगला सेशन है रैपिड फायर का। रैपिड फायर में ये है कि फेवरेट टाइप ऑफ टी विद इन 5 सेकंड बताना है। टी, फेवरेट टाइप ऑफ टी मतलब गरम मसाला टाइप, अदरक चाय? अदरक में ग्रीन टी ज़्यादा पीता हूँ। ग्रीन टी ज़्यादा पीते हैं। फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? सोहेल अब्बास। फेवरेट हॉलीडे? न्यूजीलैंड। ओके, फेवरेट जंक फूड? जंक फूड बर्गर से ज़्यादा तो नहीं। फेवरेट सीजन? आई डोंट नो, सीजन का ही नहीं पता। फेवरेट टीवी शो? टीवी शो मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, ज़्यादातर मैं मैचेस वगैरह देखता हूँ। फेवरेट आइसक्रीम कलर, फ्लेवर? बनाना। निकनेम गुमन। व्हाट इज योर टूथब्रश कलर? सोचना पड़ेगा। Describe yourself in 3 words. Honest, loyal, और तीसरा खुद बता दे। तीसरा आप कह सकती हैं hard working. Yeah. इनके तीनों इसलिए मैंने बताया क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनको मैं तकरीबन 2.5-3 साल से जानती हूँ, राइट? और अभी आपने हमारे सुनने वालों को, आने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम देना है? क्योंकि आने वाले जितने भी बच्चे हैं वो नहीं जानते कि हॉकी पकड़ना कब सीखें, कैसे पकड़ें और आगे हमने मैदान में किस तरह जाना है। जैसे कि हमारे स्कूल लेवल पे इस टाइम हॉकी बिल्कुल ख़त्म है, जैसे ग्रास रूट लेवल ख़त्म हो चुका है, जैसे अंडर 14, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17 होती थी हमारे, अभी दोबारा से पंजाब हॉकी ने स्टार्ट किया है। अभी अंडर 17 टूर्नामेंट हो गया था तकरीबन लास्ट मंथ, वो फिनिश हुआ है। जब तक हम अपने घर में अपनी हॉकी पकड़ कर स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चों को घर में ही बॉन्ड कर देते हैं कि आपने घर से बाहर नहीं जाना, वो घर में ही रहेगा। बच्चों को फ्री हैंड देना चाहिए, फ्री हैंड देना चाहिए। जब वो खेल का टाइम वो खेले, स्टडी का टाइम वो स्टडी करे, स्टडी का हर टाइम हम बच्चों को कहते रहते हैं स्टडी करे। बच्चे का जो दिमाग है बिल्कुल फिनिश हो जाता है, स्पोर्ट्स से वो दूर हो जाता है। उसको ये नहीं पता हमारे प्लेयर्स का नाम क्या है, हमारा पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है, किसी लेकिन उन्हें जुनून होता है खेलने का। जिस मर्जी बच्चे से पूछ लें आप, किसी को नहीं पता कि हमारा कौमी खेल कौन सा है, क्योंकि पाकिस्तान ने 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 3 ओलंपिक जीते हुए हैं, चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप। अच्छा, आपने कौमी खेल को सोच के ही मतलब ज्वाइन किया था इसको? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कौमी खेल। आपने हॉकी पकड़ना कब सीखी थी? 2005 में सीखी और 2006 में करियर का आगाज़ कर दिया। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के आपने जाना कि एक यंग टैलेंट, एक यंग बच्चा जो है वो किस तरह आगे जा सकता है, अलीम की एग्जांपल आपके सामने है। कभी भी हार मत माने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।